खबर देहरादून से, जहां आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती ने अपने खिलाफ एफआईआर निरस्त कराने की मांग को लेकर 1 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में आरटीआई क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी मीणा भी उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से दीपक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग उठाई। उनका कहना है कि करगेती ने उद्यान निदेशक से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के संबंध में सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी ने अपूर्ण सूचना दी, जिसके कारण करगेती ने विभागीय अपील अधिकारी कार्यालय में अपील दायर की, लेकिन सुनवाई के दौरान सूचना न दिए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ उनकी कहासुनी हुई। ऐसे में डॉक्टर बीपी मैठाणी ने निदेशालय पर करगेती के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पहले वहां पर जो है कुछ ऐसा हो गया कि उसको वहां से भागना पड़ा और उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई और उसको लगा कि उससे व्यथित होकर उसको लगा भी तो बहुत मेरे साथ अविश्वास हो गया है कि मुझे यहाँ बुला करके अब सूचना देना दूर मेरे खिलाफ जो है जो एफआईआर दर्ज हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बैठ गया है। ये आपके गांधी पार्क के सामने गेट तो अन्य सर पर बैठा हुआ है।